नमस्कार, जिसका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। सबसे पहले आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों की ओर बढ़ते हैं। शहर के संद्रा रोड कुमावत कॉलोनी स्थित एक निजी स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों के लिए एक तुगलकी फरमान जारी करने का मामला सामने आया। जानकारी मिली कि स्कूल प्रशासन ने स्कूल का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बजाय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक का रखा और इस दौरान स्कूल में 10 मिनट की देरी से आने वाली छात्राओं से ₹50 जुर्माना वसूला जा रहा। शुक्रवार को स्कूल की एक बच्ची की ओर से अपनी परिजनों को इस बात की जानकारी देने के बाद बच्ची के परिजन वार्ड पार्षद पिंकी कुमावत के घर पहुंचे और सारी बात से अवगत करवाया। इसके बाद परिजन और पार्षदा कुमावत ने स्कूल पहुंचकर स्कूल प्रिंसिपल से मुलाकात कर इस बाबत घटनाक्रम से अवगत करवाते हुए खरी खोटी भी सुनाई। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल कैलाश प्रजापत की ओर से सफाई दी गई कि उन्हें जुर्माने के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बालिकाओं द्वारा स्कूल समय में मास्क नहीं लगाने को लेकर शुक्रवार को उनकी छुट्टी करते हुए उन्हें घर भेज दिया गया था। मामला शहर के कुमावत कॉलोनी स्थित महाराणा प्रताप बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय से जुड़ा है। जानकारी मिली कि स्कूल प्रशासन वर्तमान में स्कूल 10 से 4 बजे के बजाय सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक संचालित कर रहा है। इस बाबत स्कूल प्रिंसिपल कैलाश प्रजापत ने सफाई देते हुए बताया कि स्कूल के सभी शिक्षक रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस लिहाज से स्वयं की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो, इस उद्देश्य के साथ स्कूल का सुबह के समय संचालित किया जाना निर्णय लिया गया है। एक्स्ट्रा क्लास में ना मतलब जो लेट आएगा उससे 50 रुपये बस ऑनली फॉर, इतनी सी बात और कुछ भी नहीं है। तो जो लेट आएगा वो पैसे देगा और क्या, और जो नहीं देगा बस वो एक्स्ट्रा क्लास में अंदर नहीं बैठेगा, वो बाहर बैठेगा, घर जाने के लिए बोला। सर ने एक्स्ट्रा क्लास की बोला और ना सर ने कहा कि जो लेट आएगा उसको 50 रुपये फाइन करना, जो लेट आएंगे उसके 10 मिनट 7 बजे से 10 मिनट पहले आना, अगर 10 मिनट से अगर पहले अगर मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था, लेकिन बच्ची रात को रो रही थी घर पे, बोले बेटा क्या हुआ, पढ़े नहीं कर रही, बोले बाबा मेरे को सुबह 50 रुपये ले जाने हैं और आप 50 रुपये दो। मैं बोले कहीं के 50 रुपये देने, बोले एक्स्ट्रा क्लास चल रही है उसमें मैं लेट हो गया, तो लेट हो गया तो 50 रुपये देने, बोले हाँ 50 रुपये फाइन देना पड़ेगा। यार बेटा 50 रुपये फाइन, मैं सुबह स्कूल आऊंगा। सुबह होते ही बोला बाबा आप चलो तो मैं जाऊँ स्कूल, नहीं तो मेरे को तो बाहर निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे भाई, बोले मैंने पीस के वो 50 रुपये फाइन दिए नहीं तो बोले घर जाओ। अरे 50 रुपये के चक्कर में अभी बोर्ड की परीक्षा नजदीक है और तेरे को घर भेज दिया, बोले हाँ बाबा मेरे को घर निकाल। फिर मैं अभी स्कूल आया, स्कूल आया तो सर से मेरी बात हुई प्रिंसिपल से, तो जैसे ही मैंने उनसे बात करी वो सर ने मेरे को बोला कि आप तो मेरे को धमका रहे हो, आप मेरे को डरा रहे हो, जाओ आप जो भी हो जो आप करो आपकी कार्रवाई कर लो, मेरे को इस मामले में बता। प्रिंसिपल सर ने मेरे को उल्टा ऐसा बोला, और बच्ची का ये कहना है कि बाबा अगर आप कार्रवाई करोगे या कुछ बोलोगे तो मेरा नंबर काट देंगे, मेरे को नंबर नहीं भेजेंगे, मेरे को मतलब कुछ मिला के टॉर्चर करेंगे कुछ भी हो, ऐसा करके बच्ची रो रही है। अब ये ना तो पढ़ पा रही है ना कुछ समझ पा रही है, अब क्या करें। सर इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कल सर का मैसेज आया था तब मैंने दिशा से बात करी थी, 10th क्लास में जो पढ़ती है, उसके बाद सर ने मुझे कह दिया कि क्लास की छुट्टी कर लो, क्योंकि 2 मैटर हुए थे। एक तो सर ने मास्क लगाए नहीं थे, क्योंकि मास्क इनके पास होते हुए भी जेब में रखते और मास्क लगाते नहीं है, इस कारण से कल इनकी छुट्टी कर दी गई 1.5 घंटे। लेट फीस चार्ज की मुझे जानकारी नहीं है, कल दोपहर को 10 बजे स्कूल टाइमिंग अपने 7:30 से 1 बजे का चल रहा था। सरकारी नियम 10 से 4 है, लेकिन हम सब टीचर्स प्राइवेट टीचर हैं और हम सबको रीट एग्जाम की तैयारी करनी थी, इस कारण से ये टाइम का सुबह का रखा गया ताकि हमें दोपहर बाद पढ़ने का मौका मिल सके, टाइम मिल सके। शहर के संद्रा रोड स्थित यादव भवन में किरायेदार के रूप में रहने वाले दीपक कुमार पुत्र आनंद कुमार के परिवार पर शुक्रवार रात को 20 से 25 अज्ञात लोगों ने लाठी सरिया और तलवारों से लैस होकर हमला किया है। घटना के दौरान हमलावरों ने युवक के साथ मारपीट की है, जिसके कारण उसके पांवों में चोट आई है। पीड़ित युवक का आरोप है कि हमलावरों ने उसकी मां पर तलवार से हमला करने का प्रयास भी किया। मारपीट कर जाते समय सभी हमलावरों ने घर में अन्य किरायेदारों के वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार शहर में जनता ब्रांड पर काम करने वाले दीपक कुमार सेंद्रा रोड पर स्थित यादव भवन में किरायेदार के रूप में रहते हैं। पीड़ित दीपक ने बताया कि शुक्रवार रात को 20 से 25 अज्ञात लोग यादव भवन में हथियारों से लैस होकर घुस आए थे और उसके मकान में घुसकर मेरे परिजनों और मेरे साथ मारपीट करने भी उतारू हो गए थे।
पीड़ित ने यह भी बताया कि इस दौरान हमलावरों ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसकी मां पर तलवार से हमला करने का प्रयास भी किया। काफी देर तक हंगामा मचाने के बाद हमलावर मौके से भाग छूटे और जाते समय यादव भवन के किरायेदार मांगीलाल कुमावत की एक स्कूटी और एक मोपेड और जितेंद्र कुमार की एक बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित ने बताया कि घटना के बाद सिटी थाना पुलिस को दी गई सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना भी किया। पीड़ित दीपक ने बताया कि हमलावरों में से किसी को भी वो नहीं जानता है। दीपक के अनुसार अज्ञात लोगों के खिलाफ सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी गई है। कल रात को मेरे घर पे 11 बजे 15 से 20 लड़के आए और मेरे घर पे काफी तोड़फाड़ करी, बैंड की टोली, उससे उसको नुकसान पहुंचाया और घर में घुस के मेरी माँ पे तलवार का वार किया और कागजी सामान, गाड़ी, मोटरसाइकिल ये सब तोड़ दी। ये जो वारदात हुई है इसका मुझे कोई कारण पता नहीं है, लेकिन मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करता हूँ। रात को पुलिस भी आके गई, पुलिस ने भी मौका मुकदमा कर दिया, पुलिस भी रिपोर्ट भी लिखा दी हमने पुलिस पे। अभी तक इसका कारण पता नहीं चला कि वो हमारे घर पर अटैक क्यों किया। मैं उनको पहचानने में तो मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन एक जने ने मेरे पैर पे भी मारी थी और मेरे घर पे अंदर उसके मेरी मम्मी पे तलवार चलाने की कोशिश करी थी, लेकिन किसी पड़ोसी ने बीच में आके मेरी मम्मी को बचाया। नगर परिषद के घंटाघर स्थित घड़ी के टंकारे विगत कई सालों से बंद है। हालात यह है कि जब से इस घड़ी की सुइयां रुकी है उसी समय से शहर का विकास रुका है। शहर में विकास के नाम से केवल नाली और सड़क निर्माण के कार्य ही शामिल है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद की स्थापना के साथ ही ऐतिहासिक घंटाघर पर यह घड़ी लगाई गई। उस समय घड़ी पर प्रति आधा घंटे पर टंकारे बजते थे। उक्त घड़ी के टंकारों की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी। बताया गया कि घड़ी के टंकारों की आवाज से शहरवासी अपने उठने आदि का समय भी निर्धारित करते थे, लेकिन कई सालों से उक्त घड़ी बंद पड़ी है और घड़ी के बंद होने के साथ ही इसके टंकारों की आवाज भी बंद हो गई। पूर्व सभापति मुकेश मौर्य के कार्यकाल में कलकत्ता की एक कंपनी को उक्त घड़ी का ठेका दिया गया, लेकिन उसके पुर्जे नहीं मिलने के कारण उसको ठीक नहीं किया जा सका। उधर राजनीति के गलियारों में इस प्रकार के चर्चे भी आम है कि जब से घड़ी की सुइयां रुकी है शहर का विकास रुक गया है। शहर में गिनाने के नाम पर एक विकास कार्य भी नहीं। नगर परिषद की वर्तमान राजनीति पर लोगों का कहना है कि जब घड़ी की सुइयां बंद है तो फिर सभापति का समय कैसे आगे बढ़े। इसी वजह से कोई भी सभापति अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा। ऋणशुदा वाहनों की ऋण चुकता प्रमाण पत्र वाहन मालिक को देने के साथ इसकी सूचना वित्त पोषक फाइनेंसर को अब परिवहन विभाग कार्यालय में ईमेल से देनी होगी। इसके बाद ही वाहन मालिक द्वारा फॉर्म 35 के साथ आवेदन करने पर परिवहन विभाग वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र से फाइनेंसर का नाम हटाएगा। परिवहन आयुक्त और शासन सचिव रवि जैन ने इस प्रक्रिया के लिए प्रदेश के सभी प्रादेशिक और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया कि हाइपोथिकेशन निरस्ती के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत फॉर्म नंबर 35 की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित वित्त पोषक की आधिकारिक ईमेल से फॉर्म 35 प्राप्त किया जाए। आवेदक द्वारा फॉर्म 35 और वित्त पोषक की आधिकारिक ईमेल से फॉर्म 35 का मिलान करने के बाद ही निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। आयुक्त ने निर्देश दिए कि किसी भी हालत में वित्त पोषक की आधिकारिक ईमेल से प्राप्त फॉर्म 35 के बिना हाइपोथिकेशन निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जाए। इसके लिए प्रादेशिक जिला परिवहन अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करने वाले वित्त पोषकों को फॉर्म 35 को संबंधित परिवहन कार्यालय की आधिकारिक मेल आईडी पर मेल कराएं। इस संबंध में ब्यावर डीटीओ प्रकाश डेलियानी ने बताया कि इस संबंध में परिवहन आयुक्त और शासन सचिव रवि जैन की ओर से एक पत्र मिला। पत्र के अनुसार अब अगर किसी भी ऋणशुदा वाहन से हायर परचेज हटाने के लिए वाहन मालिक की ओर से फॉर्म 35 में आवेदन मिलेगा तो इसकी सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए फाइनेंसर की ओर से ईमेल के माध्यम से यह सूचना दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए फाइनेंसरों को चाहिए कि किसी भी वाहन स्वामी को जारी किए जाने वाले ऋण चुकता प्रमाण पत्र की एक प्रति विभाग को अवश्य ईमेल करें। अभी 26 तारीख को हमारे परिवहन आयुक्त महोदय शासन सचिव द्वारा एक आदेश निकाला गया जिसमें कि लोन जो कटने का जो होता है 35 नंबर फॉर्म आता है उसमें उसके साथ एक कवरिंग लेटर आता है और 35 नंबर में साइन सील होते हैं। चूंकि आजकल बहुत ज़्यादा जाली दस्तावेज है, फुटर दस्तावेजों का चलन चल रहा है, तो अब उसमें ऊपर मुख्यालय से आदेश निकाला गया कि जब भी उनको फिजिकल फॉर्म में दिया जा रहा है जब तक उस कंपनी का यहाँ मेल नहीं आता तब तक हम उसको जो है उसका जो लोन का है टर्मिनेशन माना लोन काटने का जो है काम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि
उसकी मेल यहाँ नहीं आ जाती, भले वो अपना हार्ड कॉपी में लेके आ रहा है, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में लेके आ रहा है, क्योंकि उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती, होलोग्राम्स लोग लगा लेते हैं। तो ये अब जो है ना कड़ाई से पालना की जा रही है पिछले दो दिन से। पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा विभाग की ओर से राज्य सरकार की ओर से प्राप्त निर्देशों के बाद ब्यावर उपखंड की दो गौशालाओं के भौतिक सत्यापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। भौतिक सत्यापन के दौरान उपखंड की दोनों गौशालाओं में कुल 1170 पशुधन मिला है। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट संयुक्त निदेशक कार्यालय को भेज दी गई है। अब शीघ्र ही पशुधन के लिए शीघ्र ही जनवरी, फरवरी और मार्च का 3 माह का अनुदान स्वीकृत हो सकेगा। पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि पशुपालन विभाग की ओर से विगत दिनों गौशालाओं का भौतिक सत्यापन करवाया गया था, जिसके तहत ब्यावर उपखंड में मसूदा रोड स्थित तिजारती गौशाला और ब्यावर खास स्थित देवनारायण गौशाला का भौतिक सत्यापन किया गया। डॉक्टर हुसैन ने बताया कि तिजारती सराफन गौशाला में कुल 835 गौवंश पाया गया, जिसमें 700 बड़े और 135 छोटे पशु पाए गए। इसी प्रकार ब्यावर खास स्थित भगवान देवनारायण गौशाला में कुल 335 गौवंश पशुधन का भौतिक सत्यापन हुआ। उन्होंने बताया कि अब सरकार की ओर से बड़े पशुओं के लिए ₹40 और छोटे पशु के लिए ₹20 प्रति पशु का अनुदान स्वीकृत होगा। विभाग की ओर से अब जनवरी, फरवरी और मार्च माह के लिए दूसरी किश्त जारी की जाएगी। गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड गौशालाएँ हैं उनका अभी भौतिक सत्यापन किया गया और संयुक्त भौतिक सत्यापन हुआ। इसमें एक प्रशासन का एक अधिकारी और पशु चिकित्सक ने दोनों ने मिलकर हमारे इस उपखंड में दो गौशालों का भौतिक सत्यापन किया, उनका निरीक्षण किया और उनके अंदर जितने भी गौवंश संधारित किए जा रहे हैं उनकी भौतिक सत्यापन किया, उनकी गिनती की गई। तो ब्यावर में जो तिजारती गौशाला है उसमें 25 तारीख को जो भौतिक सत्यापन हुआ उसमें कुल मिलाकर 835 गौवंश उसमें संधारित पाए गए, जिसमें 700 बड़े पशु और 135 छोटे पशु उसमें पाए गए। इसी प्रकार से ब्यावर खास में जो देवनारायण गौशाला संचालित की जा रही है उसमें भी भौतिक सत्यापन हुआ और उसमें संधारित गौवंश का की गिनती की गई, उसमें कुल मिलाकर 335 गौवंश संधारित पाए गए। इस बार जो सहायता राशि है गौशालों मिलेगी वो द्वितीय चरण की सहायता राशि है और माह जनवरी, फरवरी और मार्च हेतु दी जाएगी। इस बार के जो सहायता राशि में बड़े पशुओं के लिए प्रति पशु ₹40 के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा और छोटे पशु में ₹20 प्रति पशु के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। आगे हमने ये जो है भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट संयुक्त निदेशक कार्यालय अजमेर को भेज दी है और आगे जैसी भी कार्रवाई होगी उसके अनुसार उनको आयोजन। शहर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में कोरोना मरीजों को आइसोलेट करने के लिए बनाए गए वार्ड में अव्यवस्थाओं के कारण वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमित रोगियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी मिली कि वार्ड में लाइटें बंद पड़ी है और अधिकांश पंखे बंद हैं, जिसके चलते गर्मी के इस मौसम में रोगियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वार्ड भर्ती रोगियों के परिजनों ने बताया कि वार्ड में साफ सफाई के अभाव में शौचालयों की हालत खराब है, मारे गंदगी और बदबू के कारण रोगियों और परिजनों को शौचालय में जाने में परेशानी है। रोगी परिजन गौरव सोनी ने बताया कि वार्ड में लगे 4 पंखों में सिर्फ एक ही पंखा चल रहा है और वार्ड की लाइटें बंद है, साथ ही पीने के पानी की भी व्यवस्था वार्ड में नहीं है। वार्ड में रोशनी के अभाव में रात के समय रोगी को कितनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। कि इसी प्रकार जो रोगी परिजन सोहनी देवी है उन्होंने बताया कि वार्ड में साफ सफाई का भी अभाव है, जिसके कारण शौचालय में गंदगी का आलम है। गंदगी के कारण रोगी और परिजन शौचालय के लिए कहां जाए। इस संदर्भ में जब अस्पताल पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में वार्ड से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। अगर ऐसे हालात हैं तो अस्पताल के इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर लाइट और पंखे आदि दुरुस्त करवा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अस्पताल में विद्युत रखरखाव हेतु टेंडर हो चुके हैं, सामान की कोई कमी यहां पर नहीं है। मालूम हो कि एकेएच में आइसोलेशन वार्ड को कोरोना संक्रमित रोगियों को आइसोलेट करने के लिए कोरोना वार्ड बना रखा है, जहां पर संक्रमित रोगियों को आइसोलेट किया जा रहा है। कोरोना वार्ड में लाइटें बंद पड़ी है, मैं बाथरूम में जावा तो किसान जावा, पूरे हॉस्पिटल में लाइटें बंद है, कोरोना वार्ड में अंदर जावा बाथरूम में तो जावा डरपा में। इधर मेरे पिताजी कोरोना से पीड़ित के शक के अंदर यहाँ पे उनको भर्ती किया गया आइसोलेशन वार्ड में। यहाँ आने के बाद मैंने देखा है कि यहाँ 4 पंखे लगे हैं जिसमें सिर्फ 1 पंखा चल रहा है। फिर जब मैं बाथरूम करने यहाँ आया तो काफी गंदगी भी है और पानी भी नहीं है, और रात में जब मेरे को लाइट की जरूरत पड़ी
तब यहाँ लाइट भी पूरी तरीके से नहीं चल रही है। सारे बटन चालू करके देख लिए मैंने, ना तो कोई स्विच चलता है ना कोई बल्ब लगा है। यहाँ पे काफी असुविधा मेरे को महसूस हुई है। जब अगर मेरा यह हाल अगर कोई लेडीज आएगी यहाँ पे तो वह कैसे अपनी सुविधा को उपलब्ध करेगी। ब्यावर के अंदर अमृतपुर काफी अच्छा नाम मानते हैं और किसी भी जगह पर अगर ऐसा हाल हो तो कितनी बदनामी होगी ब्यावर की और साथ ही इसके बड़े इतने बड़े हॉस्पिटल की। सूचना प्राप्त हुई है कि आइसोलेशन वार्ड के अंदर लाइट और पंखों की कुछ अव्यवस्था है, वहाँ पर पंखे नहीं चल रहे हैं। तो इस संदर्भ में मेरा कहना है कि मुझ तक अभी सूचना आई नहीं वार्ड इंचार्ज से कि वो लाइटें या पंखे खराब हैं। अभी सूचना प्राप्त हुई तो अभी हर चीज को बुला करके वो दिखाते हैं क्या स्थिति है। सामान की कोई कमी नहीं है, सामान के टेंडर सब हो चुके हैं। सूचना आने पर तुरंत प्रभाव से लाइटों पंखों को ठीक करा दिया जाएगा। शहर में आगामी दिनों में मनाए जाने वाले त्योहारों के मौके पर शांति और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए शनिवार को सिटी थाने में शांति समिति सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। सिटी थाने के सब इंस्पेक्टर मानविंदर सिंह के सानिधि में आयोजित बैठक में होली, धुलंडी और शबे बारात का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और इस दौरान शहर में शांति और कानून व्यवस्था की पालना हेतु चर्चा की गई। साथ ही त्योहारों के मौके पर शांति समिति सदस्यों द्वारा आमजन द्वारा इस त्योहारों पर और पर्वों पर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। बैठक के दौरान नीतीश गोयल, राम पंजाबी, सुरेश वैष्णव, पप्पू पहलवान सहित अन्य उपस्थित रहे। रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण कार्य के तहत अजमेर मंडल में कार्य प्रगति पर है, जिसके तहत मदार से ब्यावर रेलवे स्टेशन के बीच कार्य पूर्ण हो गया है, जिस पर जल्द ही इलेक्ट्रिक लोको चलाने की कवायद भी की जा रही है। इसी के तहत आगामी 31 मार्च को लाइट का CRS होगा। मदार से ब्यावर के बीच लाइनों का CRS के में जो सभी व्यवस्थाएं हैं वो संतोषप्रद रहने की स्थिति में उक्त ट्रैक पर इलेक्ट्रिक लोको की ट्रेन चलाने की इजाजत दी जाएगी। आगामी 31 मार्च को होने वाले CRS की तैयारियों का जायजा लेने शनिवार को विभिन्न विभागीय अधिकारी ब्यावर पहुंचे और ब्यावर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार अजमेर मंडल में मदार से ब्यावर के बीच दोहरीकृत ट्रैक के विद्युतीकरण का कार्य जारी है, जिसके तहत लगभग 55 किलोमीटर लाइन पर कार्य पूरा हो गया है, जिस पर इलेक्ट्रिक लोको चलाने के लिए आगामी 31 मार्च को CRS होगा, जिसके सफल रहने पर उक्त ट्रैक पर इलेक्ट्रिक लोको के जरिए ट्रेनों के संचालन शुरू हो पाएंगे। बताया जा रहा है कि लाइन को शुक्रवार की रात ब्यावर तक पूरी तरह से चार्ज कर दिया गया। CRS की तैयारियों के मद्देनजर शनिवार को रेल मंडल अजमेर के ADRM संजीव कुमार और सीनियर DCO ब्यावर पहुंचे। ब्यावर स्टेशन अधीक्षक अशोक भाटी के साथ निरीक्षण किया गया और व्यवस्थाओं का जायजा हुआ। उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के राबड़ियावास रामद्वारा में होली महोत्सव के अंतर्गत आयोजित 5 दिवसीय श्रीकृष्ण कथा के दौरान शनिवार को श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करवाते हुए संत गोपाल राम महाराज ने कहा कि भगवान भक्तों के प्रति सदैव भावुक होते हैं। गुण, सौंदर्य और रूप से भगवान कभी मोहित नहीं होते, उन्हें तो भक्तों का अनन्य स्नेह भाव चाहिए। बिना भक्ति के प्रभु का प्रेम पाना संभव नहीं है। संत ने कहा कि भगवान कहते हैं कि हे नारद, मैं बैकुंठ और योगियों के हृदय में नहीं, अभी तो जहां मेरे भक्त मेरी कथा कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, मैं वही विराजमान रहता हूं। जो भक्त शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि समेत अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देता है, वह भगवान का अत्यंत प्रिय होता है। कथा सुनने के लिए रामद्वारे में भारी संख्या में महिला और पुरुष भक्तों की भीड़ जुटी रही। भगवान की कथा में लीन भक्त झूमते, गुनगुनाते, ताली बजाते भाव विभोर हो रहे थे। कथा के दौरान रामद्वारा महिला मंडल, रामद्वारा युवा मंडल राबड़ियावास की ओर से श्रीमद् भागवत का पूजन और आरती उतारी गई और प्रसाद का वितरण किया गया। जिला परिवहन कार्यालय ब्यावर की ओर से पिछले 4 साल पूर्व सीज की गई एक डंपर को शनिवार को उसका बकाया टैक्स जमा करवाकर मुक्त करवाया गया। संबंधित वाहन मालिक कंपनी की ओर से बकाया टैक्स के रूप में मात्र 2 लाख रुपए जमा करवाए गए। DTO प्रकाश टहलिया ने बताया कि गुजरात नंबर का एक डंपर जो पाली जिले में पंजीयन करवाया गया था, 4 साल पूर्व इस डंपर को ब्यावर DTO ने टैक्स बकाया होने के कारण सीज कर दिया था। 4 साल तक मालिक का पता नहीं चलने से परिवहन कार्यालय की ओर से अब इसकी नीलामी के प्रयास किए गए, जिसके चलते कार्यालय की ओर से मालिक को नोटिस दिया जाना अनिवार्य था। कार्यालय की ओर से वाहन के नंबरों के आधार पर मालिक की खोजबीन शुरू की तो पता चला कि उक्त डंपर एक कंपनी के नाम है, लेकिन कंपनी के अधिकारियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। सूचना के बाद कंपनी के अधिकारी शनिवार को ब्यावर पहुंचे और बकाया टैक्स के रूप में 2 लाख रुपए जमा करवाकर डंपर को मुक्त करवाया और अपने साथ ले गए। इसका रजिस्ट्रेशन है अपना पाली में हुआ था, पर नंबर प्लेट गुजरात नंबर लगी हुई थी, तो हमने इसको करीब 4 साल पहले सीज किया था। उस टाइम इसमें जो चेक करने पर जो है करीब 2 लाख रुपए टैक्स और पेनल्टी भी हुई थी।
काफी खोजबीन करने बाद इसके चेस नंबर और इससे पता लगने पर ये पता लगा कि ये गाड़ी जो पाली में रजिस्टर्ड है। पाली का जो वहाँ से मैंने डिमांड नोटिस और पहले मेरे पूरे डिटेल हमने मंगाए थे जिसमें कि इसमें 2 लाख रुपए करीब बाकी थे टैक्स पेनल्टी। तो इसमें जो है हमने सारी जान नोटिस अगर तामिल कराने की खूब कोशिश की चूँकि ये कंपनी बाहर की थी। फिर मैंने इस कंपनी में सब प्रयत्न करते हुए, ये डम्पशन एंड कंपनी है बॉम्बे में, इसका हेड ऑफिस है और कुछ केमिकल्स और इसका बहुत बड़ा काम है, वहाँ मैंने इनकी वाइस प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी और उन्होंने जो है इसमें मेरे को ये रिप्लाई किया कि हम लोग ये डंपर लेने को तैयार हैं। तो इसमें 2 लाख रुपये जो बाकी थे उनमें कुछ पेनल्टी थी तो उन्होंने आज ही पैसे भर दिए। तो 4 साल बाद ये डंपर आज छूट रहा है और पैसे जमा करा दिए गए जुर्माने की राशि और टैक्स की, आज मैंने वो छोड़ दिया है। अब क्या है कि इसमें ये है कि जो भी गाड़ियाँ जो मेरे यहाँ सीज पड़ी हैं उनके खिलाफ जो मैं ये कार्रवाई कर रहा हूँ कि अगर नीलामी की कार्रवाई यहाँ पर वो जो जिनके हैं वो ले जाए, ये इस बाबत कड़ी कार्रवाई। राजस्थान कौशल आजीविका मिशन जयपुर और अरेमा सेवा समिति की संयुक्त तत्वावधान में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत ब्लॉक जवाजा में इलेक्ट्रिशियन प्लंबर और फिटर का 3 दिवसीय प्रशिक्षण पंचायत समिति जवाजा में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण शिविर समापन के मौके पर कार्यक्रम समन्वयक फिरोज खान ने बताया कि युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के सहयोग देने हेतु प्रेरित किया गया। उन्होंने बताया कि युवा अपने कौशल विकास से स्वयं के रोजगार को आगे बढ़ाकर स्वयं और परिवार की आजीविका का संवर्धन करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को इलेक्ट्रिशियन कार्य, प्लंबर कार्य और फिटर कार्य का संपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान दक्ष प्रशिक्षकों के माध्यम से दिया गया। कार्यक्रम में दक्ष प्रशिक्षक धनराज और देवेंद्र सिंह द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को आईपी ग्लोबल से शांति और सीमा ने भी उपयोगी जानकारी दी। तो ये तो साप्ताहिक टॉप न्यूज बुलेटिन और इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे विदा लेना चाहेंगे। आपको बता दें कि होली, धुलंडी और बादशाह मेले के मौके पर जे स्काई न्यूज चैनल पर 28, 29 और 30 मार्च का अवकाश रहेगा जिसके चलते आगामी न्यूज का प्रसारण 31 मार्च को होगा। नमस्कार। एक निजी स्कूल प्रशासन का तुगलकी फरमान, क्लास में देरी से आने पर वसूला जा रहा जुर्माना। सालों से बंद है नगर परिषद घंटाघर की घड़ी के टंकारे, घड़ी के सुइयों के साथ रुका शहर का विकास। रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण हेतु मुख्य ट्रैक पर इलेक्ट्रिक लाइन हुई चार्ज, इलेक्ट्रिक लोको संचालन हेतु 31 मार्च को होगा सीआरएस। और कोरोना वार्ड में लाइट, पानी और साफ सफाई का अभाव, वार्ड में भर्ती रोगियों को उठानी पड़ रही है परेशानियां।